पंजाब में केजरीवाल का बड़ा धमाका, देखते रह गई कांग्रेस और भाजपा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सार्वजनिक रूप से अपमान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपने असफल रोड शो के दौरान केजरीवाल खुद तो कार के अंदर खड़े हो गए, लेकिन सीएम भगवंत मान को कार के दरवाजे पर लटका दिया। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अमरिंदर सिंह ने जोर देकर कहा, भगवंत मान कार के किनारे की तरफ खड़े एक सुरक्षा कर्मी की तरह लग रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमें केजरीवाल की तुलना में मान की स्थिति के बारे में नहीं पता, लेकिन आज का रोड शो पंजाब पंजाबियों और पंजाबियत के लिए अपमानजनक था। वारिंग ने कहा, भले ही भगवंत एक अलग पार्टी से संबंधित हो, लेकिन वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके प्रति किसी भी तरह के अनादर का मतलब पंजाब का अपमान करना है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने सीएम भगवंत मान से कहा कि पंजाब और दिल्ली के सीएम के बीच कोई तुलना नहीं है, दिल्ली पूर्ण राज्य तक नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में नगरपालिका प्रशासन का नेतृत्व करते हैं और आप पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य का। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि आम आदमी पार्टी का यह रोड शो फ्लॉप है। जिस तरह की प्रतिक्रिया इस रोड शो के बाद लोगों से मिली है, उससे लग रहा है कि नतीजों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा, केजरीवाल को जल्द ही पता चल जाएगा कि उनकी राजनीतिक नाट्य कला की खात्मे की तारीख आ गई है। अब पंजाबी उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे।